आदरणीय बदगुशो मातृशक्ति, वो देव दयानंद इस संसार के अंदर उसके आने का हेतु केवल केवल एक ही था कि ये आर्य जाति, वो आर्य जाति जो कभी विश्व गुरु कहलाया करती थी, आज अपना शौर्य भूल गई है, अपना गुरुत्व भूल गई है, गुलाम होकर के अज्ञानी अविद्या के अंधकार में पड़ करके आज सब भूल करके दीनहीन दशा में ये हो गया है। इसलिए ऋषि दयान जी महाराज ने आकर के संसार में राजाओं को जगाया, अक्षत्रियों को जगाया, ब्राह्मणों को जगाया और उन्हें कहा, जानो तुम्हारा क्या दायित्व है, पहचानो अपने आप को। जब ऐसे हालात देश के थे तब ऋषि दयान जी महाराज ने अपना सारा जीवन, लगभग 90% उनका जीवन गृहस्थ के सुधार में ही लगा। और वो लिखते हैं कि इस संसार में सब रोगों की औषधि का एक ही इलाज है, गृहस्थ आश्रम। ये नहीं कहा कि संन्यास आश्रम, ये नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम, ये नहीं कहा कि वानप्रस्थ आश्रम। ऋषि कहते दुनिया के सब रोगों की एक ही औषधि है, ये गृहस्थ आश्रम। इसी गृहस्थ आश्रम में सारे आश्रम आश्रय पाते हैं। गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम निकलता है, वानप्रस्थ निकलता है, संन्यास निकलता है, लेकिन इन तीनों आश्रमों में से गृहस्थ नहीं निकलता। ये आश्रम सब गृहस्थ के आश्रय से ही फलीभूत होते हैं, वहीं से आश्रय पाते हैं। ब्रह्मचारी भोजन कहाँ करेगा? गृहस्थ में। वानप्रस्थी भोजन कहाँ करेगा? गृहस्थ में। सन्यासी भोजन कहाँ करेगा? गृहस्थ में। इसलिए ऋषि लिखते सब औषधियों की एक ही, सब रोगों की एक ही औषधि है ये गृहस्थ आश्रम। तब किसी ने पूछा, महाराज माना कि सब रोगों की ये औषधि गृहस्थ आश्रम है। तब व्यक्ति कहता हाथ जोड़ करके, महाराज यदि सब रोगों की ये औषधि गृहस्थ आश्रम है, फिर आप गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं गए? इस गृहस्थ आश्रम को तुमने क्यों नहीं अपनाया? तब ऋषि क्या कमाल की बात कहते हैं। ऋषि कहते हैं, मुझे कोई रोग था ही नहीं। जो रोगी होता है गृहस्थ आश्रम उसके लिए औषधि है, मेरे जीवन में कोई रोग था नहीं, मैं निरोग था, इसलिए मुझे गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि गृहस्थ लोग अपने जीवन को सुधारें, पति पत्नी का रिश्ता प्रीति पूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो। इसलिए उन्होंने लिखा, मातृदेव, पत्नी के लिए पति देव और पति के लिए पत्नी देवता, एक दोनों दूसरे देवता होकर एक दूसरे का सत्कार किया करें, आदर किया करें और एक दूसरे को नमस्ते किया करें। आज हमारे अभिवादन कितने बदल गए हैं, अभिवादन अलग अलग हो गए हैं। कोई जय महावीर कहता है, कोई राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई हरिओम कहता है, लेकिन ऋषि दयान जी महाराज कहते अभिवादन यदि कोई संसार में है, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे वेद में देखो, तब वहां पर केवल केवल एक ही अभिवादन है, नमस्ते। अबले नमस्ते। कई बार हमने अपने मित्रों को देखा है संघ की शाखाओं में, तब कई बार वो चर्चा करते हैं, उस स्वभाव में उनके राम राम करना होता, राम राम जी। हम लोगों को खास कर करते हैं राम राम जी, हम कह देते हैं नमस्ते जी, तब वो कहते हैं आजादी आप राम राम नहीं करते हो, नमस्ते क्यों करते हो? बोले शास्त्रों में लिखा हुआ, रामायण में देखो सीता नमस्ते करती हैं। और मैं क्या बोले, नमस्ते तो आप भी करते हो लेकिन व्यवहार में नहीं लेकर के आते, वरना आपके यहां भी नमस्ते है। बोले हमारे यहां कहां नमस्ते है, सुबह शाखा में जाते हो? बोले जाते हैं, ध्वज लगाते हो? भगवा लगाते हैं, और जब ध्वज की प्रार्थना करते हो तब क्या गाते हो? नमस्ते सदा वत्सले मार्ते भूमे, वहां नमस्ते सदा वत्सले मार्ते भूमे कहते हो, वहां भी कह दिया करो राम राम सदा वत्सले मार्ते भूमे।
अरे पगले, राम से पहले भी तो अभिवादन था, कृष्ण से पहले भी तो अभिवादन था, जो सनातन अभिवादन है वो नमस्ते ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नमस्ते ही करनी चाहिए, अपने बच्चों को नमस्ते का अभिवादन ही सिखाना चाहिए। इसलिए ऋषि लिखते हैं कि पति पत्नी जब शयन करने के लिए जावें तब एक दूसरे को नमस्ते किया करें। हमने पूछा ऋषिवर ये क्या बात हुई है, आपने ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर छोटी सी बात लिख दी, नमस्ते भी कोई इतनी बड़ी बात है? कोई बड़ा मंत्र लिख देते, कोई गूढ़ रहस्य की बात लिख देते, कोई योग की बात लिख देते। आजकल तो हम देखते हैं बहुत लोगों को ऐसे उलझाने वाली शब्द, ऐसे उलझाने वाली बातें करते हैं जो उलझ तो सकते हैं लेकिन उसका सार तत्व कुछ भी निकल करके नहीं आता। उलझ गए, उलझ करके बोले हाँ इसका अर्थ नहीं पता, बोले बस यही विद्वत्ता है। विद्वत्ता वो है जो आपके व्यवहार में आ सके, जिसे आप समझ सके, जो आपके परिवार में हित करने वाली हो। इसलिए ऋषि लिखते हैं नमस्ते करें। मैं बोले करें क्यों, कोई बड़ी बात नहीं है नमस्ते तो। तब ऋषि संकेत करते तुझे बड़ी बात ना लगती हो, ये नमस्ते इतनी बड़ी बात है कि यदि पति पत्नी के व्यवहार में नमस्ते हो तो घर में प्रीति, घर में प्रेम पूर्वक ये विचरते हैं, घर में आनंद ही आनंद रहता है। बोले यदि नमस्ते व्यवहार में ना हो, नमस्ते ना करते हो, तब ऋषि संकेत करते तब घर में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है, परेशानी रहता है, दुख रहता है, यदि नमस्ते ना हो तो व्यवहार में। बोले व्यवहार में नमस्ते कब हो? बोले सदा से हो, सुबह शाम हो। बोले कैसे ऋषिवर बताओ तो सही। जब ऋषि सत्यार प्रकाश में लिखते जब पति पत्नी शाम को सोने के लिए जाएं, सब कार्यों से निवृत्त होकर के सोने के लिए जाएं, तब पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे को नमस्ते किया करें। बोले नमस्ते करने का लाभ क्या है ऋषिवर, ये बताओ घर में सुख नमस्ते से कैसे आता। तब ऋषि चिंतन देते हैं, हे मनुष्य कई बार समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए इन पति पत्नियों के बीच में किसी भी बात को लेकर के खटपट हो जाती है। इसलिए ऋषि लिखते सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्ति को चाहिए कभी भी घर में पत्नी के साथ में व्यर्थ की बातें ना किया करें। कई बार लेकर के बैठ जाते हैं, हम बोले तुम्हारे घर से आया ही क्या था, और तुम्हारे घर में दिया ही क्या है, और तुम्हारे यहाँ देने के लिए है ही क्या। इधर तुमने कुछ कहा, इधर पत्नी शुरू हो जाती है, बोले जब से तुम्हारे घर में आई हूं मुझे सुख मिला ही कहाँ है, मैं तो ऐसे परेशान हूँ जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। अरे मेरा तो कहीं ऊंची जगह होता, मैं तो मेरे कर्म देखो। तो ऋषि लिखता ये व्यर्थ की बातें करने से कई बार बातें कहां बिगाड़ तक पहुंच जाती हैं। अब बिगाड़ तक पहुंच करके फिर क्या होता, तब इन दोनों पति पत्नियों का आपस में व्यवहार बंद हो जाता है, बोल चाल बंद। अरे हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम हमसे नहीं बोलो, बोल चाल बंद हो जाती। बात कुछ भी नहीं थी, कोई व्यर्थ की बात छोटी मोटी चली उस बात को लेकर के, इधर इन्होंने कुछ कहा, इधर इन्होंने कुछ कहा, और बोलगी बोल चाल बंद। ऋषि लिखता है इनमें जब किसी बात को लेकर के, व्यर्थ की बात को लेकर के चर्चा हो जाती तब इनका केवल 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 बोल ही बंद होता है, चाल इनकी बढ़ जाती है। क्यों माता ऐसा है कि नहीं, जब पति के साथ में बोल बंद हो जाता तब इन माताओं की चाल बढ़ जाती है, एक कदम इस कमरे में, दूसरा उस कमरे में, तीसरा किचन में, ऐसे फिरती हैं जैसे हवा में जा रही, जब इनका बोल बंद हो जाता है। इसीलिए ऋषि लिखते हैं कि यदि ये बोल की गांठ घर में लगी रहे, बोल चाल पति पत्नियों के बीच में ना होवे, बोल की गांठ लग जाए। और ये गांठ कैसी होती है, गन्ने का जूस बड़ा यहाँ मिलता है, एक कैलाश जी कह रहे थे मुझे कि आचार्य जी जूस पिलवाएंगे आपको, तो ये गन्ना आप देखें तो गन्ने की जहां बोरी होगी वहां रस होगा, और जहां जोड़ होगा गांठ होगी वहां रस होगा ही नहीं। ऐसे ही जीवन में भी जहां भाई भाई के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो,
पति पत्नी के बीच में हो, जहां व्यवहार बंद हो जाता है, जहां बोल बंद हो जाता है, वहां रस समाप्त हो जाता है, रूखापन आ जाता है। ऋषि लिखते, यदि ये बोल की गांठ लंबी खिंच जावे तो, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, वो इधर को मुंह कर रहे हैं, ये इधर को मुंह कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ऋषि लिखते, यदि ये बोल की गांठ जल्दी ना खुले, मामला गड़बड़ हो जाती है, तलाक तक पहुंच जाता। देखा है कई बार, चूंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं अभिमान उनके सामने आ जाता है, हम बोले पत्नी है तो हम क्यों बोलेंगे, यही बोलेंगे। और पत्नी भी कह देती है, सारा घर का काम करती हूँ मैं, सारा दिन लगी रहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को पालती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, दो रोटी खाती हूँ सुबह, दो रोटी खाती हूँ शाम, मेरी जगह काम कर करके देखो तो पता लग जाएगा, और पता लग भी जाता। ये महिलाएं इतना काम ग्रस्त का करती हैं, यदि पुरुष एक दिन का इनका काम ले ले, बोले ठीक है आज तुम्हारी छुट्टी, आज सारा घर का काम हम ही करेंगे, बनाओ खाना, लगाओ पोछा, धो झूठे बर्तन, छोड़काओ बच्चों को स्कूल में, पढ़ाओ उन्हें ट्यूशन, कराओ उनका होमवर्क, सारे कपड़े धो। यदि सारा कार्य पुरुष अपने हाथ में एक दिन का लेकर के देखे तो शाम को कमर सीधी नहीं होगी, इतना कार्य ये माताएं करती हैं। इसलिए ऋषि लिखता, जब इनका बोल बंद हो जाता है तब घर में सन्नाटा। बेटा स्कूल से आ जाए और भूख उसे लगी हुई और आते कहे मम्मी खाना दे, और पति के साथ में इनके बोल बंद है ही। अब बेटा कह रहा है बोले खाना दो, तब धीरे से इशारा करके कहती है, मुस्कुराती है, वो देगा, वो बैठे हैं जा, उन्हीं का है ना, तू उन्हीं करता है ना, पापा पापा, पिताजी पिताजी, बड़ा प्यार करता है ना उन्हें, जा जा करके उनसे बोल, दे देंगे पनीर का पराठा बना करके तुझे, जा उन्हीं से ले। जब इनका बोल बंद होता है, इनका व्यवहार गड़बड़ा जाता है और इनका मन बिगड़ जाता है, तब बेटे को भी कहते और पति को भी लगता है ना प्रकट करे पति। लेकिन जब पत्नी के साथ में इनका बोल बंद हो जाता है तो घर में आते ही बच्चों कहता है, अरे घर में अंधेरा क्यों कर रखा है भाई। बोले नहीं, जितनी लाइटें रोज जलती हैं उतनी जली हुई हैं। बोले फिर मुझे अंधेरा सा क्यों नजर आता है। अंधेरा इसलिए नजर आता है कि पत्नी के साथ में बोल बंद हो गया। जब बोल बंद हो जाता है तब घर में इसे अंधेरा नजर आता है। इसलिए ऋषि लिखता है, इस बोल की गांठ को जल्दी खोल लिया करो। बोले खोलने से लाभ क्या होगा। बोले यदि घर में लाइट भी भागी रहेगी और पति पत्नी में प्रेम हो, आपस में बोल ठीक हो, तब लाइट भागने का भी एहसास नहीं होता, घर में रोशनी नजर आती है, आनंद आता है। अरे लक्ष्मी घर में है, उसके भाव से ही, उसके आंखों में देख करके ही आपको भाव पता लग जाता है। अच्छा ये करना है, अच्छा घूमने चलना है, अच्छा ये खाना है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां प्रीति होती है, जहां प्रेम होता है, वहां बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जहां जितनी जोर से बोला जा रहा है व्यवहार में, समझ लीजिएगा वो व्यक्ति आपसे उतनी ही दूरी है। दूरी से अभिप्राय, मन से आपकी उतनी ही दूरी है। आप चिल्ला करके बोलते हैं, उसके प्रति आपके मन में उतना ही दुर्व्यवहार है, इसलिए जोर के बोलते हैं। और जिससे प्रेम होता है, उसे तो मैंने देखा, कार्यक्रम हमारे यहाँ था तो हमने कहा कौन माता भजन बोलेगी, तो पति देव भी बैठे थे, पति देव ने धीरे से ऐसे किया, ऐसे करते के साथ पत्नी उठी और भजन बोलने के लिए आ गई। हैं बोले ये बोले भी नहीं है और तुमने ऐसे इनकी तरफ को देखा और तुमने समझ लिया कि तुम्हें इशारा कर रहे हैं। बोले आचार्य जी, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रीति होती है, वहां बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां तो चेहरे के भाव ही प्रकट हो जाते हैं जब दोनों के दिल एक होते हैं। इसीलिए तो विवाह संस्कार में लिखा, बोले पति पत्नी दोनों के हृदय कैसे हो। बोले जैसे अलग अलग नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है, उसे कोई अलग नहीं कर पाता। जब दोनों के हृदय एक हो गए तो बोलने की आवश्यकता कहां रही है। जो तेरे हृदय में है वो मेरे हृदय में है। कई बार मैंने देखा है जब पति पत्नी बोलते हैं तो दोनों के मुख से एक ही बात निकलती है। बोले एक ही बोलो ना, दोनों एक ही बात को दोहरा रहे हो।
बोले आचार्य जी जो इनके हृदय में थी वो मेरे हृदय में, इसलिए दोनों के मुख से निकल गया। इसलिए ऋषि लिखता है इस बोल के व्यवहार को ठीक कर लिया करो, ज्यादा लंबा मत खेचा करो। बोला ऋषिवर ये व्यवहार कैसे ठीक हो? तब ऋषि लिखते यदि आपके अभ्यास में नमस्ते करना है, के वो भाई के साथ में नमस्ते करना है, के वो पिता के साथ में नमस्ते करना है, के वो आर्य जनों के साथ में नमस्ते करना है, यदि आपके अभ्यास में ये नमस्ते है और किसी बात को लेकर के मन खराब हो गया, मतभेद हो गया। ये मतभेद और मनभेद दो बातें होती हैं। एक होता है मतभेद, आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जावे, दूसरा व्यक्ति चाहता है ऐसे नहीं ऐसे हो जावे। एक व्यक्ति कहे कि वो कार्यक्रम है उसमें दाल पकवान बनवाएंगे और दूसरा व्यक्ति कहे नहीं समोसे और मिठाई रखेंगे। ये होता है मतभेद, आप कुछ चाहते हैं दूसरा कुछ चाहता है, ये स्वाभाविक है। एक होता है मनभेद, मनभेद से अभिप्राय, हम तुमसे नहीं बोलेंगे तुम हमसे नहीं बोले, व्यवहार ही बंद हो गया। जब व्यवहार बंद हो गया तो घर कैसे चले, गृहस्थ कैसे चले, समाज कैसे चले। इसलिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए कि वार्ता ही बंद हो जाए। इसलिए ऋषि लिखते यदि इन पति पत्नी के बीच में नमस्ते अभ्यास में है और ये नियम से प्रतिदिन नमस्ते करते ही हैं, जैसे आपके स्वभाव में यज्ञ करना है, आपके स्वभाव में संध्या करना है, आपके स्वभाव में प्रतिदिन अपने शॉप पे जाना है, आपके स्वभाव में नाश्ता करना है, आपके स्वभाव में भोजन करना है, ये रोजाना का रूटीन आपका अभ्यास है, ऐसे ही यदि नमस्ते हमारे अभ्यास में हो और आप शाम को जब जाएं और तब पत्नी के अभ्यास में नमस्ते है, ये पति तो मुंह टेढ़ा कर करके निकल जाते हैं लेकिन पत्नी धीरे से कह दे देवता जी नमस्ते, और जब ये बोले देवता जी नमस्ते तब ये भी मुस्कुरा करके बोल दे बोले देवी जी नमस्ते, और फिर कहें अब भी तो बोली हो, तीन दिन से मुंह चढ़ा करके हो, इधर मुंह किया ही नहीं है, अब भी तो बोली हो। और तब पत्नी कह दे बोले थोड़ा ही है नमस्ते की है, नमस्ते कोई बोलना थोड़ा ही होता है, नमस्ते की है। ऋषि लिखता जब इधर ये नमस्ते करती हैं और इधर ये नमस्ते करते हैं, दोनों की बोल की लगी हुई गांठ खुल जाती है। इधर ये मुस्कुराते हैं इधर ये मुस्कुराते हैं, घर के अंदर फिर आनंद की वर्षा हो जाती है, आनंद सुख हो जाता है। इसलिए ऋषि लिखते इस नमस्ते को ही करना चाहिए, नमस्ते ही हमारा अभिवादन है। मुझे स्मृति में आता आदरणीय बदपुरुषो, हम अपना व्यवहार खराब ना करें। मेरे पिता पंडित नकली सिंह जांगड़े उनके ये स्वभाव में था। एक व्यक्ति हमारे यहाँ अखबार डालने के लिए आया करता था, बड़ा कठोर बड़ा कटु व्यवहार उस व्यक्ति का था। मैंने देखा उस व्यक्ति को, मेरे पिता के स्वभाव में नमस्ते था, तो जब वो सुबह अखबार डालता था तो मेरे पिताजी कहते नमस्ते भाई नमस्ते, अब वो व्यक्ति नमस्ते का जवाब ही नहीं देता था। एक दिन मैंने देखा, दो दिन मैंने देखा, मैंने एक दिन पिता से कहा अब पिताजी जब आप नमस्ते करते हैं ये नमस्ते का जवाब तक नहीं देता, इतना अहंकार इस व्यक्ति में है, आप भी इसे नमस्ते करना बंद कर दो। तब मेरे पिता मुझसे बोले ना बेटा ये उसका व्यवहार है ये मेरा व्यवहार है, उसके कारण मैं अपना व्यवहार क्यों खराब करूं? आज नहीं तो 10 दिन बाद करेगा, महीने बाद करेगा, मैं अपना अभ्यास अच्छा संस्कारी नमस्ते करने का मैं नहीं छोड़ूंगा। वो ना करे ना करे वो उसका कर्म है, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं नमस्ते करूंगा। और मैंने देखा लगभग 1 महीने के बाद में वही व्यक्ति जब मेरे पिता कहते नमस्ते भाई तब वो हाथ जोड़ करके कहता नमस्ते महाशय जी नमस्ते। मैंने कहा पिताजी ये परिवर्तन कैसे आ गया? बोले अभ्यास से, मैंने अपने धर्म का पालन किया तब उसे परमात्मा ने प्रेरणा की। बोले रे पगले वो रोज नमस्ते करते हैं तेरे से आयु में बड़े हैं, तू क्या बिल्कुल पत्थर का हो गया, व्यवहार में आ गया। ऐसे ही घर परिवार में संबंधों में समाज में यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार इतना कुछ कठोर है, आप अपने नमस्ते के द्वारा उसे पिघला सकते हैं। जब आप नमस्ते करेंगे निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी आपको नमस्ते करेगा, क्योंकि इस संसार में यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करे तो आप सम्मान देना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, आप सुख बांटना शुरू कर दें।
क्योंकि इस संसार में जो भी आप देते हैं वो लौट करके मिलता है। ऐसा कोई विधान संविधान सृष्टि का नहीं है कि आप किसी को सुख दें और आपको दुख दें। छोटे मोटे दो चार दिन की बात हो सकती है, लेकिन परमात्मा का विधान है कि जो आप बांटे हो परमात्मा मैं इंटरेस्ट के मैं ब्याज के आपको वही वापस लौटाता है। इसलिए अपने व्यवहार को उत्तम से उत्तम बना करके रखें। अब एक महात्मा आनंद स्वामी लिखते हैं, एक व्यक्ति ने देखा नदी किनारे एक बिच्छू पानी में बह रहा है। उन्होंने बिच्छू को पकड़ा, बाहर निकाल दिया और बिच्छू ने उन्हें डंक मार लिया और डंक मार करके फिर पानी में, तब उन्हें फिर पकड़ा और फिर वो। किसी ने कहा, महाराज आपने इसे पानी से बाहर निकाला और इसने डंक भी आपको मार लिया और फिर वही, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? बोले, वो उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव है इसे बचाना, ये जल में समाप्त ना हो जाए, बह ना जाए, इसका जीवन समाप्त ना हो जाए। वो इसका व्यवहार है, वो डंक मारे। अपने व्यवहार को हम बढ़िया बना करके रखें। दो दिन आगे पीछे चाहे संतान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे समाज में हो, यदि आपका व्यवहार उत्तम बना रहेगा तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति भी आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर के आपके साथ में उत्तम व्यवहार ही करेगा। बस आवश्यकता है धर्म के पहले लक्ष्य को धारण करने की कि हम धैर्य बना करके रखें। जल्दबाजी में कुछ करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। धैर्य के साथ में ईश्वर पे विश्वास रखते हुए धैर्य रखें और अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहें। निश्चित रूप से हम चाहें, क्योंकि एक ही नारा दिया जाता है आज हमारे हरिद्वार में, हम बदलेंगे जग बदलेगा। आप जग को बदलने की कोशिश ना करो, अपने आप को बदलो। सारे सिद्धांत अपने ऊपर लागू करो। जो आप दूसरे से चाहते हो कि ये व्यक्ति ऐसा करे, तुम करना शुरू कर दो। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसलिए नमस्ते को अपने व्यवहार में लेकर के रखा करें, कि घर हो चाहे पत्नी के साथ में। हम भी पत्नी वाले हैं, जब हम घर पे रहते हैं तो पत्नी जी जब उठ कर आती है तो सीधे हमारी उनकी ज्यादा बात नहीं होती ना, चिंतन स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तो जब सुबह आएंगी तब एक ही बात बोलेंगी, नमस्ते जी। हम भी कहेंगे नमस्ते जी। बस हमारी सुबह और शाम की ये बात होती है, बाकी कोई चर्चा होती नहीं। हम सारा दैत ध्यान रखते हैं, हमारे वस्त्र कहाँ हैं, जरावे कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, हम उन्हें तकलीफ देते नहीं है। जब तकलीफ देते नहीं है तो तकलीफ मिलती भी नहीं है। इसलिए नमस्ते अभ्यास में बना करके रखें, प्रीति प्रेम से अपना जीवन जिया करें। इसलिए ऋषि को लिखना पड़ा कि सब रोगों की एक ही औषधि ये ग्रस्त है, अपने ग्रस्त को सुंदर बनाओ, बेहतर बनाओ। और कुबेर नगर वालों, कभी न कभी सोच भी लिया करो कि शैलेश मुनि सत्यार्थी आ हुआ है, कहीं परिवार में लेकर के तो चले। रूखापन मत दिखाया करो। इसलिए अपने ग्रस्त में आनंद पूर्वक रहो। और एक ही आशीर्वाद दिया जाता था, दूध नहाओ वो तो पल आनंद में रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मानुभाव का हृदय से आभार अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राहप शांति रोहो सदय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति शाम शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर। कुबेर नगर में हम पंडित त्रिलोकचंद जी, हमारे कैलाश जी हैं, इनके निवास पे हम गए हैं, और एक अपने बैंक वाले हैं, भ्राता जी, उनके यहाँ भी हम गए हैं, तीन परिवारों में हम गए हैं।